दोस्तों मैं फैजान मुराद। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर को सौंप दिया है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मोनू मानेसर एक मोनू मानेसर वही शख्स है जिनके ऊपर कई ऐसे आरोप हैं जिन्होंने गो तस्करी के नाम पे कई ऐसे मुसलमानों को मारे। लेकिन इनमें से दो ऐसे जो लोग हैं जिसका नाम सबसे ज़्यादा सामने में आया था, नासिर और जुनैद। आपको याद है भरतपुर के नासिर और जुनैद को किस तरह से उसी के गाड़ी में बलेरो में जिंदा जला दिया गया था। मोनू मानेसर तब से तो ये छुपता हुआ फिर रहा था। पुलिस इसके बारे में हमेशा कहती थी कि मोनू मानेसर हमेशा छुपता हुआ फिर रहा है, लेकिन मोनू मानेसर हमेशा वीडियो के जरिए और यूट्यूब में आकर के लाइव आकर के वो दिखाता था कि वो कहाँ है, कहाँ पे है, और देश के जो गोदी मीडिया जो चैनल है उसके सामने में जाकर के ये शख्स इंटरव्यू भी दे रहे थे। लेकिन हमारे देश के पुलिस और कानून ये कहती थी कि मोनू मानेसर छुपाए हुए फिर रहे हैं। हरियाणा में जो हिंसा हुई, नूह में जो हिंसा हुई, इस हिंसा के पीछे भी मोनू मानेसर का सबसे बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मोनू मानेसर ने अपने वीडियो में जारी करके ये कहा था कि मुसलमानों तैयार रहो, तुम्हारा जीजा आ रहा है, और इसमें बिट्टू बजरंगी जैसे लोग भी शामिल थे। लेकिन दोस्तों अब हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर को सौंप दिया है। अब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जिस तरह से नासिर और जुनैद का हत्या हुई थी, जिस तरह से नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया था उसके गाड़ी में, तो उसको उसके ऊपर तो उसी समय FIR हो जानी चाहिए थी, उसी समय उसको पुलिस कस्टडी में लेके चले जाना चाहिए था। लेकिन इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी शायद किस बात का, लेकिन अभी फ़िलहाल हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि नासिर और जुनैद का गो तस्करी के नाम पे अटैक किया गया हो या गो तस्करी के नाम पे उसको मारा गया हो। हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमानों के साथ अभी तक अटैक हुआ है, जितने भी मुसलमानों के ऊपर प्रहार हुआ है, उनमें से 97% जो मुसलमान है उसको सिर्फ गाय के तस्करी के नाम पे, उसके गाय के नाम पे उसको मारा गया है या गाय या फिर गो तस्करी के शक पे उसको मारा गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि सिर्फ गो माता के नाम पे 97% जो मुसलमान है उसको मारा गया है। लगभग 63 ऐसे मुसलमान हैं जिसका रिपोर्ट में दर्ज किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसकी रिपोर्ट में दर्ज हुई ही नहीं। 2010 से 2017 तक ये पूरे तरह से चरम में थी और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का गो तस्करी के नाम पे इनकाउंटर किया जा रहा था या फिर उसको मारा काटा जा रहा था। जब से मोदी सरकार 2014 में पावर में आई उसके बाद और ये ज़्यादा और भी आगे बढ़ा और भी गो तस्करी के नाम पे या गाय के नाम पे मुसलमानों को मारना काटना शुरू कर दिया। उनमें से 97% मुसलमान जिसको सिर्फ गाय के नाम पे मारा गया और गाय के शक में उसको मारा गया। लेकिन दोस्तों मोनू मानेसर ही एक ऐसे इंसान नहीं है, पहलू खान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अभी तक इंसाफ नहीं मिली है ना। यहाँ पे नासिर और जुनैद को भी इंसाफ नहीं मिली है, लेकिन फ़िलहाल ये बात सुनने में आया जा रहा है कि अब हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर को लेकर सौंप दिया है, अब उसके कस्टडी में लेके दे दिए हैं। अब देश का मीडिया ये नहीं कहती है, देश का सरकार ये नहीं कहती है कि मोनू मानेसर छुपते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया है। दोस्तों आप सोच सकते हैं जिनमें से जितने भी मुसलमान अब तक मारे गए हैं सबको गाय के नाम पे मारा गया है और गाय के शक में ही मारा गया है, लेकिन किसी को भी इंसाफ नहीं मिलती है। नासिर और जुनैद तो आपको याद ही है, उसके भाई ने जब उसका विरोध किया, मोनू मानेसर का विरोध किया, उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रही है, मेरा भाई को मारा गया है, मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रही है। इसी को लेकर के नासिर और जुनैद का भाई एक टावर में चढ़ जाते हैं और वहाँ पे जाके ऐलान करते हैं कि हम अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिली तो मैं यहाँ से कूद करके अपने जान दे दूँगा। लेकिन समझा बुझा करके पुलिस तो उसको टावर से उतारती है, लेकिन पुलिस उसको जेल में डाल देती है। मतलब जो इंसान अगर इंसाफ की बात करे, जो इंसान अगर इंसाफ मांगे, उसी को जेल में ले आकर डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब मोनू मानेसर पूरी तरह से हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है इसके खिलाफ आगे कोई कार्रवाई होगी, क्या इसके खिलाफ कोई कड़ी एक्शन लिया जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ फैजान, आप देख रहे हैं सच के साथ।